नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 10 और मैं हूं आपके साथ रिचा। चलिए शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ बुलेटिन की। आगरा में विश्वविद्यालय पहुंचे सपा छात्र सभा के छात्रों को पुलिस ने पकड़ा। आपको बता दें, आगरा विश्वविद्यालय का आज दीक्षांत समारोह है, जिसमें गवर्नर आनंदीबेन पटेल पहुंची। यहां छात्रों की शिकायत है कि उन्हें डिग्री नहीं मिल रही है, बावजूद इसके विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह कराया जा रहा है, इसलिए सपा छात्र सभा के छात्रों को पुलिस ने हरि पर्वत थाने पर बैठाया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित प्रताप यादव है, मैं महानगर अध्यक्ष हूँ समाजवादी पार्टी छात्र सभा से। क्या समस्या हुआ है? अभी आगरा विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जा रहा है। समाजवादी छात्र सभा लगातार विरोध करती आ रही है। छात्रों को न समय से रिजल्ट मिल रहा है, न समय से परीक्षा कराई जा रही है। परीक्षा होनी चाहिए दिसंबर में, आज अप्रैल चल रहा है। बड़ा दुर्भाग्य है इस विश्वविद्यालय का, हम छात्रों को समय से परीक्षा नहीं हो पा रही है, जिससे छात्रों का भविष्य अंधकार में है। हमारा एक एक साल लेट हुआ जा रहा है। तो इस विषय में हमने अपना राज्यपाल जी से मिलना चाहते थे, तो माननीय राज्यपाल जी ने हमें उससे पहले गिरफ्तार करा दिया। लखीमपुर खीरी के सिंघाई थाना क्षेत्र के ठाकुरपुरवा गांव की घटना है। यहां अज्ञात कारणों के चलते भीषण आग लग गई। आग लगने से 11 घर जल गए, साथ ही घरों में रखा सारा सामान भी जलकर राख हो गया। आपको बता दें कि घरों से सामान निकालते समय 3 लोग झुलसे हैं, जिनकी नजदीकी CHC में भर्ती कराया गया है। दमकल विभाग की टीम ने मशक्कत के बाद अब आग पर काबू पाया है। अलीगढ़ के गोंडा थाना इलाके के गांव बलभद्रपुर में हाई टेंशन लाइन की चिंगारी से खेत में खड़ी गेहूं की फसल में भीषण आग लग गई। आग में 2 किसानों की करीब 18 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। ग्रामीणों ने ट्रैक्टरों और अन्य साधनों से आग बुझाने का काफी प्रयास किया। आग पर काबू पाते समय भारी नुकसान हुआ है। आग लगने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब डेंटल और हेयर ट्रांसप्लांट के लिए किसी और शहर में जाने की जरूरत नहीं होगी। अयोध्या जिले में ये सुविधा अब शुरू हो गई है। ये सुविधा शहर के मछली मंडी स्थित आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में शुरू की गई है, जिसमें कोलकाता के डेंटल डॉक्टर अभिषेक विश्वास और हेयर ट्रांसप्लांट की डॉक्टर मोली चक्रवर्ती हॉस्पिटल में सुविधा को उपलब्ध कराएंगे। साथ ही यहाँ पर गरीब असहाय लोगों के लिए आयुष्मान कार्ड से सुविधाएं भी दी जाएंगी। जैसे अभी डॉक्टर अभिषेक विश्वास ने कहा कि हम ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन हैं, हम सारा मुंह का रिलेटेड जितना काम होता है वो तो करते ही हैं, लेकिन अभी हम लोग रिसेंटली कॉस्मेटिक सर्जरी में भी काम कर रहे हैं। आनंद हॉस्पिटल में कॉस्मेटिक सर्जरी में कहीं पे मुंह बड़ा छोटा, किसी को अपने चेहरे को लेके कोई इनसिक्योरिटी होगा तो आके हमें दिखा सकते, या फिर अभी नए युवक को जो प्रॉब्लम है बाल झड़ने का, उसके लिए भी वो आके दिखा सकते हैं क्या प्रॉब्लम है, कैसे उसको ठीक किया जा सकता है दवाई से या फिर ट्रांसप्लांट से। हैदराबाद में अगर बोला जाए तो बहुत कमी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जिसमें से आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आज मैं यहाँ पे ज्वाइन किया एज ए मैक्सिलोफेशियल सर्जन के हिसाब से। ठीक है, मैक्सिलोफेशियल सर्जन मतलब क्या होता है? मैक्सिलो मतलब जबड़ा होता है, फेशियल मतलब मुख, और ओरल मतलब कैविटी, मुँह के अंदर का कैविटी, जिसमें दांत वात भी सब आ जाते हैं। तो हम लोग का जैसे कि स्पेशलाइजेशन में दांत के अलावा भी मुंह जबड़े का भी ट्रीटमेंट होता है। रुड़की में बैंक कर्मी का शव आसफनगर झाल से बरामद हुआ है। बैंक कर्मी पिछले 4 दिनों से लापता था। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर सिविल अस्पताल में भेज दिया है। परिजनों ने सिविल अस्पताल में जमकर हंगामा किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए ऋषिकेश एम्स भेजने की मांग की। आपको बता दें कि ग्रामीणों की भारी भीड़ सिविल अस्पताल के बाहर मौजूद रही, जिसको देखते हुए पुलिस फोर्स तैनात की गई है। हरिद्वार में वैशाखी पर्व को लेकर अगले 2 दिनों में गंगा स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के हरिद्वार आने की उम्मीद है। वैशाखी पर ऋषिकुल मैदान में भी बड़े आयोजन किए जाते हैं, जिसको देखते हुए पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। गंगा स्नान को सकुशल संपन्न कराने के लिए ऋषिकुल सभागार में जिलाधिकारी अरविंद पांडे और SSP अजय सिंह ने पुलिस फोर्स को ब्रीफ किया, साथ ही आवश्यक निर्देश भी दिए। स्नान पर्व हरिद्वार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व होता है और इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु आसपास के क्षेत्रों से दूर दराज से भी आते हैं। साथ ही साथ इस बार एक विशेष बात ये भी है कि 14, 15, 16 3 दिन का वीकेंड भी हो रहा है और छुट्टियां भी पड़ रही हैं, और पिछला जो हम लोगों का एक्सपीरियंस रहा है कि वीकेंड्स पर आमतौर पर हरिद्वार में रश काफ़ी होने लगा है। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखकर पर्याप्त पुलिस प्रबंध किया जा रहा है, साथ ही साथ हमारे मिनिस्ट्रियल ड्यूटियाँ भी लगा दी गई हैं। उसी संबंध में हम लोगों की ब्रीफिंग आज है
और सभी को आवश्यक निर्देश यही देने हैं। चालू भी आते हैं और वीकेंड भी पड़ रहा है और साथ ही साथ अम्बेडकर जयंती भी है, तो काफ़ी सारे जुलूस भी हमारे शहर और देहात क्षेत्र में निकलेंगे। इसको देखते हुए जो लास्ट टाइम काफ़ी रश हुआ था इसको वीकेंड पर, इसको देखते हुए हमने एक वैकल्पिक मार्ग भी रखा है, जो लक्सर क्षेत्र से अगर लगता है कि बहुत ज़्यादा यहाँ प्रेशर होता है तो उसको डाइवर्ट किया जाएगा। वापसी में भी देखा गया है कि जो दिल्ली और हरियाणा वापसी हो रही थी उसमें टोल पर जो काफ़ी भीड़ थी, 2-3 किलोमीटर लंबा जाम लगा था, तो रानीपुर झाल से और छाती ढाबे से भी उसको हम डाइवर्ट करके नहर पटरी वाले मार्ग को भी प्रयोग करेंगे अगर ज़्यादा ट्रैफिक का दबाव रहता है तो। समस्त तैयारियाँ कर ली गई, फोर्स की ब्रीफिंग की जा रही है। कल वैशाखी स्नान पर्व है। धर्मनगरी हरिद्वार में देश के कोने कोने से लाखों की संख्या में श्रद्धालु माँ गंगा आस्था में डुबकी लगाने आएंगे। देश में बढ़ रहे कोरोना के खतरे को देखते हुए हरिद्वार जिला प्रशासन भी सतर्क नजर आ रहा है। जिलाधिकारी और SSP ने स्नान पर्व को लेकर अधिकारियों की ब्रीफिंग की। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने पूरे मामले क्षेत्र को 15 सुपर जोन और 39 सेक्टर में विभाजित किया है। साथ ही 900 के करीब पुलिस के जवान और 8 कंपनी PAC की तैनाती की गई है। पुलिस व्यवस्था में और थोड़ी बढ़ोतरी की गई है। हमने 15 जो है इसमें आपके सेक्टर सुपर जोन बनाए हैं और 39 सेक्टर्स बनाए हैं। इनके पर्यवेक्षण के लिए 4 हमारे सीनियर अधिकारी भी इसमें सुपर जोन में रहेंगे। कुल मिला के करीब 900 इसमें अधिकारी कर्मचारीगण जो सिविल पुलिस के लगाए गए हैं। अतिरिक्त हमने इसमें 8 कंपनी PAC लगाई है, जो ट्रैफिक और यातायात व्यवस्था में भी है। नई पार्किंग भी प्रशासन के द्वारा मिलकर कुछ और हमने बढ़ाई, चिन्हित की है। सब जगह हमने मार्किंग भी करी कि बहुत लोगों को पार्किंग की जानकारी नहीं हो पाती है। साथ ही साथ कुछ डाइवर्जन प्लान्स भी हमने इस बार बनाए हैं, क्योंकि वीकेंड को देखते हुए लास्ट टाइम काफ़ी श्रद्धालु आए थे, तो इस बार भी पूरी उम्मीद है कि श्रद्धालुओं की संख्या ज़्यादा होगी। उन परिस्थितियों में अल्टरनेटिव प्लान हमारे देहात क्षेत्र से भी कुछ रखा गया है। गाइडलाइन जारी की गई थी और ये कहा गया था कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर होता है उसका लोग पालन करें, लेकिन अभी हम लोगों ने ये महसूस किया है कि इसका अभी कोई पालन हो नहीं रहा है। और आज डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से आज एक आदेश शाम को जारी किया जाएगा और मोटे तौर पर ये एक एडवाइजरी ही है, लेकिन एडवाइजरी इस सेंस में है कि इसका लोग पालन करें, क्योंकि अभी कोई ऐसी दंडात्मक व्यवस्था नहीं है जब तक स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से कोई निर्देश प्राप्त न हो। खबर हरिद्वार से है, जहां पर मिट्टी से भरे ओवरलोड डंपर चल रहे हैं। ओवरलोड डंपर से हरिद्वार में कई हादसे भी हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन अभी तक इन पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रहा है। पर वहीं हरिद्वार के जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने आश्वस्त किया है कि अगर ये डंपर ओवरलोड पाए जाते हैं तो इन पर कड़ी कार्रवाई प्रशासन स्तर पर की जाएगी। आपको बता दें कि पूर्व में इन डंपरों पर परिवहन विभाग के अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए 3 डंपरों का चालान भी काटा था। जो उनकी भार क्षमता है उस भार क्षमता का ही वो उपयोग कर सकते हैं, सुरक्षित चलाएं, क्योंकि NHAI पे ये कहीं नहीं लिखा है कि मिट्टी के डंपर नहीं चलेंगे। इट्स क्लियर, ये पुलिस का काम है, ट्रैफिक पुलिस का काम है कि अगर ओवरलोड होकर चला रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई। ठीक है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत आज हरिद्वार बहादुराबाद में एक कार्यक्रम में पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। हरक सिंह रावत ने उत्तराखंड सरकार को लैंड जिहाद के नाम पर घेरने का प्रयास किया और कहा कि किसी भी धर्म समुदाय की तरफ से सरकारी संपत्तियों पर अतिक्रमण नहीं किया जाना चाहिए। अतिक्रमण चाहे किसी का भी हो, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि सड़कें बननी चाहिए, सरकारी संपत्ति सुरक्षित रहनी चाहिए, लेकिन आप केवल धर्म के नाम पर अगर इस तरह की बातें करें कि भाई मुस्लिम धर्म के लोगों का कोई धार्मिक स्थल बनाया तो उससे हम इसको हटाने की बात करें। हम कह रहे हैं कि कोई भी चाहे हिंदू धर्म का मंदिर हो चाहे वो आप मजार हो, अगर वो इस तरह गलत है तो गलत है। गंजबासोदा में नवीन कृषि उपज मंडी में किसानों ने किया जोरदार हंगामा। नीलामी बंद होने से नाराज किसानों ने बासोदा उदयपुर रोड पर किया चक्का जाम। SDM SDOP सहित भारी पुलिस बल मंडी पहुंचा। किसानों का आरोप है उनकी उपज का सही दाम नहीं दिया जा रहा है। नवीन मंडी में करीब 600 ट्रैक्टर ट्रोली उपज लेकर नीलामी के लिए खड़ी हुई है। किसानों का आरोप है कि 3 दिन से नीलामी के लिए खड़े हैं, पर व्यापारियों ने नीलामी बंद की हुई है, जिस कारण से किसानों में भारी नाराजगी है। दिन से खड़ा था जो पहले आया था उसकी तुलाई पहले हो, वही व्यवस्था मंडी में दोनों समूह से बात करके की जा रही है। व्यापारियों का क्या? व्यापारी बंधुओं का कहना है चूंकि आज की तुलाई पूर्ण हो चुकी है और कल चूंकि अवकाश है, परसों इसकी तुलाई की जाएगी।
मंडी में ट्राली लाए, हमारे बच्चे छोटे छोटे घर हैं, गाय बछड़ा भी घर है, परेशान है, लगो तो गाय है और हमारी मंडी की जा बसरिया से। हाँ, चार दिन हो गए भाई, हमारी मंडी क्यों नहीं रुक, क्यों रुक रही है? पहले लेडीजों की जाए ना, जेंट्स तो चार दिन रुक सकता, लेडीज तो नहीं रुक सके ना। बल्लभगढ़ गुज्जर चौक के समीप एक युवक का शव मिला है। सूचना मिलने पर पुलिस और फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है युवक की ईंट पत्थरों से पीट पीट कर हत्या की गई है। मृतक फरीदाबाद के संजय कॉलोनी का रहने वाला है। पुलिस ने परिजनों को सूचित कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें नेशन न्यूज 10। नमस्कार।